सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग मुकेश। सो गाइस, अगर आप भी यूज़ करते हो रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो या नोट 10 प्रो मैक्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप अपने रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो या नोट 10 प्रो मैक्स के फ़ोन में जो फ्री में थीम चेंज कैसे करेंगे। तो गाइस, आप फ्री में थीम चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आपको करना क्या, जो भी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से अपने फ़ोन में देखना, ताकि जो भी मैं आपको सेटिंग बताऊँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को आप इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस, चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो फाइनली दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने रेडमी के होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको हम जो है थीम जो है चेंज करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अपनी थीम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेटिंग कहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग है, तो सिंपली हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है थीम का ऑप्शन। सिंपली आपको थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थीम यहाँ पे दिखती हैं, जो कि ट्रेंडिंग आपके फ़ोन में चल रही होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है रेडमी के फ़ोन में जो है ट्रेंडिंग चल रही है, वो सब थीम यहाँ पे शो हो रहा है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थीम दिख जाएंगी, जो कि कैटेगरी वाइज होंगी, जैसे कि नेचुरल हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रेवल हो गया, वेदर हो गया, और जो कलरफुल हो गया। इसी तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा थीम होती हैं जो कि कैटेगरी वाइज होती हैं। जिस कैटेगरी की थीम आपको चाहिए होती है, यहाँ से आप जो है उसे अप्लाई कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों, हम आ जाते हैं बैक, और आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा थीम और हम दिखाएंगे जिनको आप अपने फ़ोन में फ्री में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं चूज कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ थीम जिनको आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर दिया हुआ टॉप का ऑप्शन। सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपके फ़ोन में स्टेडे यानी कि रेडमी के फ़ोन में जो स्टेडे में टॉप रहता है, वो सब थीम यहाँ पर शो होती हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी थीम है जो कि चेंज होकर आई हैं यहाँ पे, जो कि टॉप थीम है वो सब यहाँ पे शो होती हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ से हम सिंपली आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे आपको मिलता है कलरफुल वाला ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे पर्पल डेज हो गया, यहाँ पर जो कुछ पर्पल जो टाइप की जो है आपको थीम मिलेंगी। तो यहाँ पर लोडिंग ले लेने दे रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो इस तरीके से थीम आप लोगों को मिल रही हैं, जिनको आप इनको भी आप अपने फ़ोन में फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ इनको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई कैसे करना। ओके दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है न्यू का। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू सिलेक्टेड है, जो आपके फ़ोन में न्यू थीम आती हैं, जैसे कि डेली डेली जो है न्यू थीम आती रहती हैं रेडमी के फ़ोन में, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वो सब थीम यहाँ पर शो होंगी जो कि आपके फ़ोन में नई आई रहेंगी। और आ जाते हैं इसी तरीके से हम देख सकते हैं थीम जिनको मैं आप लोगों को आपके सामने जो लाइव जो है यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊँगा। तो ये वाली देख सकते हैं कलरफुल जो है थीम है, मैं सिंपली ई वाली थीम को आपको अपने के सामने जो अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली इस वाली थीम पे हम जो क्लिक करते हैं, और फाइनली इस पर क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रीमियम का ऑप्शन, ग्रीन कलर में आप लोग देख सकते हैं प्रीमियम का ऑप्शन, और ये वाली थीम है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सिंपली प्रीमियम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, और ये जो है वेटिंग ले रही है, और ये डाउनलोडिंग होना जो है स्टार्ट हो गई। ओके दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अगर आपका नेट जो काफ़ी अच्छा चल रहा है तो ये सिंपली बहुत ही जल्दी जो है डाउनलोड हो जाता है। सिंपली इसे हम डाउनलोड हो जाने दे रहे हैं और जो आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल डाउनलोड हो ही चुका है और इंस्टॉल भी ये हो रहा है। इसके बाद आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन टिक लगा हुआ है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, होम स्क्रीन का ऑप्शन है, और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर अगर आप जो क्लिक करते हैं तो ये थीम जो लॉक स्क्रीन की भी चेंज होगी, और यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम का ऑप्शन, सिस्टम की भी चेंज होगी, होम स्क्रीन की भी चेंज होगी, और जो आइकन है अगर आप आइकन भी चेंज करना चाहते हैं सिंपली आइकन वाले भी ऑप्शन पे ट्रिक आपका लगे रहना चाहिए। सिंपली चलिए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, और ये देख सकते हैं फाइनली अप्लाई हो रहा है। सिंपली इसे अप्लाई हम हो जाने दे रहे हैं अपने फ़ोन में, ये देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। और यहाँ से हम आ जा रहे हैं बैक, और फाइनली देखते हैं हमारे होम स्क्रीन पर जो थीम किस तरीके से कैसा लुक लग रहा है। ओके दोस्तों,
सिंपली आ जाते हैं बैक। और यहाँ पे फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो थीम जो सक्सेसफुली जो चेंज हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आपका अट्रैक्टिव दिखेगा यहाँ देख सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने फ़ोन में भी थीम को चेंज करना है। फाइनली दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।